मैं थोड़ा और पीछे से आपको बताना चाहूंगा। 19 नवंबर को ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से हमने सर्वे कराया था। जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने कहा हमें सर्वे कराइए, तो हम सर्वे करवाने के लिए प्रोटेक्शन देने के साथ उनको ले गए। उस दिन भी हमने इससे कम पुलिस फोर्स लगाई थी और उस दिन सर्वे बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ। 1 घंटे के करीब सर्वे चला, किंतु वो नाइट का सर्वे था और नाइट विजन में आपको पता है बहुत सारे फीचर्स नहीं आ पाते हैं। इसलिए एडवोकेट कमिश्नर ने 23 नवंबर को हमसे पुनः रिक्वेस्ट की, तो उसी रिक्वेस्ट के क्रम में आज सुबह हम 7:45 बजे कोतवाली संभल पहुंचे और कोतवाली संभल पहुंचकर हमने जो इंतजामिया कमेटी है उनके सभी सदस्यों को बुलाया, तो उसमें उन्होंने अपने 4 सदस्यों को ले जाने की बात कही। इसके साथ एडवोकेट कमिश्नर थे और 2 वादी की ओर से वकील थे, तो ये सब लोग आज गए और लगभग 7:30 बजे पूरा सर्वे शुरू हुआ और 10 बजे सर्वे पूर्ण हो गया और 10:15-10:30 के आसपास जो पूरी टीम थी सर्वे की, उसको हम जो एक इलाका था जहां पर भीड़ नहीं थी, वो एरिया वो है जहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो रहती है, हिंदू आबादी रहती है, वहां से हम उस पूरी टीम को लेके गए। उस टीम के ऊपर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं होने दिया गया क्योंकि सारा जो बवाल था वो पीछे के एरिया में चल रहा था। सर, ये जो बवाल हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, आपको पता होगा एलआईयू की टीम एक्टिव रहती है, क्या इस बात की जानकारी आपको कल रात में या कुछ दिनों पहले नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी जब सर्वे होगा, या ये इंटेलिजेंस का आपका फेलियर है? हमारी इंटेलिजेंस ने जितनी भी बातें बताई उससे अधिक हमने सुरक्षा प्रदान की। उसके संबंध में हमने जो हमारे वरिष्ठ हैं जिनसे भी आपने सर ने बात नहीं, कमिश्नर सर और डीआईजी सर, उनसे भी हमारी 1 दिन पहले चर्चा हो गई, तो पर्याप्त मात्रा में फोर्स था और वो फोर्स पर्याप्त था वो इस बात का प्रतीक है कि हमने एक भी व्यक्ति को जामा मस्जिद के सामने नहीं आने दिया। इसका अर्थ है कि फोर्स पर्याप्त था, बस जो तीनों ओर से भीड़ अचानक आई और लगभग 9:15 तक कोई भी पत्थरबाजी नहीं थी, 2.25 घंटे लगभग 2.25 घंटे आराम से सर्वे चला, लेकिन उसके बाद 9:15 बजे अचानक थोड़ी पत्थरबाजी हुई तो हल्का बल प्रयोग करके हमने उनको पीछे हटा दिया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। From their side, despite that somebody from the crowd is able to fire and because of which 3 people have lost their life. आपको लगता नहीं ये कहीं पे नहीं है कि crowd के बीच में शख्स आता है anti-social element हथियार लेके आता है? हथियार लेके कैसे पहुंच जाता है? अब आप स्वयं सोचिए कि जहां तक हमें सुरक्षा देनी थी वहां पर ऐसा कोई भी शरारती तत्व नहीं था। अब अचानक लगभग 5-7-10 किलोमीटर के एरिया से काफी लोग आ गए थे और उनमें से अभी कप्तान साहब आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या बरामद हुआ है उन लोगों से जिनको हमने पकड़ा है अभी, तो यदि कोई इस तरह की चीज लेके आया है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। तो सवाल फिर यही है कि आखिर उनके पास से ये चीजें बरामद हुई हैं तो क्या लोकल इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इकट्ठा कर रहे थे या प्लान कर रहे थे? लोकल इंटेलिजेंस की जितनी सूचना थी उसके आधार पर हमने पर्याप्त सुरक्षा दी थी और जब अचानक सब कुछ हो जाता है, किसी ने कोई उसको उकसा देता है, तो भीड़ इस तरह से आई कि एकदम पता ही नहीं चला। सुबह कोई भीड़ नहीं थी, आज संडे का दिन था, संडे के दिन वैसे भी छुट्टी होती है और सबसे बड़ी बात नमाज का समय भी नहीं था, जो नमाजी थे वो भी नमाज अदा करके चले गए थे। सर, जिस तरह से 4 सीनियर ऑफिशियल्स, 20 पुलिसमैन, 1 डिप्टी कलेक्टर है क्रिटिकली इंजर्ड है, फ्रैक्चर से भी सफर करे डिप्टी कलेक्टर, 3 लोगों की जान चली गई, करंट सिचुएशन क्या है, कब तक संभल जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा, आप लोग किस तरह से निगरानी करेंगे, ड्रोन हो चल रहा है, इंटरनेट सस्पेंशन की सामने काफी सारी चीजें चल रही है सर। संभल 10 बजे से पहले नॉर्मल था, 11 बजे के बाद भी नॉर्मल था क्योंकि 10 से 11 लगभग 1 घंटे पत्थरबाजी हुई। उसके बाद अचानक जो नखासा थाना है वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई, वो लगभग 45 मिनट के आसपास चली और उसके बाद से संभल नॉर्मल है, सेंसिटिव है, बट सारी चीजें नॉर्मल है और हम पूरा कंट्रोल किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी इसमें दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे जिसने उकसाया हो या जिसने प्लानिंग से किया हो,
जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी और जीरो टॉलरेंस के साथ सभी से निपटा जाएगा। सर आपसे लास्ट सवाल है कि अब जो मजिस्ट्रेट कमेटी जो बनाई गई है सर, किस तरह से जांच की जाएगी और क्या क्या उसमें होगा? अभी जो मजिस्ट्रियल कमेटी है वो अंडर प्रोसेस है, अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रियल ड्यूटी सब जगह पे लगा दी है ताकि शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। आपकी टीम की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है इस बात की जानकारी? कप्तान साहब पूरा शुरू से बता देंगे। कप्तान साहब इंटरनेट वगैरह सब कुछ उसके बाद इनसे बता दीजिए क्या हुआ था, कैसे आपने आप सवाल पूछे, आई विल आंसर दैट। सर इतनी भीड़ कहां से आई? आपकी पुलिस को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और फिर आप कैसे मैनेज किया? हमारी पुलिस को और हमारे इंटेलिजेंस को प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट, हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था। हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था उसी के मद्देनजर हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है वो सब लोग आ जाते हैं तो दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहां पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया, पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज है, आप लोग यहां से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा आया हो पैलेट गन का प्रयोग किया गया, पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है, इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं। और इसके अलावा सोशल एलिमेंट्स से जिन्होंने फायर किया जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई है, 3 की डेथ हुई है, 2 की कहते हैं फायरिंग की वजह से। ओनली पोस्टमार्टम कैन टेल यू की व्हाट इज द सिचुएशन, बट ऑब्वियसली हु इन हिज राइट सेंस विल फायर अपॉन ए पुलिस ऑफिसर टू हूम दे गो फॉर जस्टिस एवरी डे। कोई व्यक्ति अगर सामने उसको दिख रहा है कि भाई इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स पुलिसमैन खड़े हैं, 200 पुलिसमैन खड़े थे, उसके बावजूद अगर उन लोगों में ऑडेसिटी है पत्थर फायर करने की, देन दे हैड डिसाइडेड कि वी विल बाय हुक और क्रुक विल गो एंड टेक ओवर द जामा मस्जिद एंड ट्रबल द सर्वे जो कर रहे थे। हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है, उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं वो भी रिकवर हुए हैं और मौके पे, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जगह पे जो जहां पे फायरिंग चल रही थी इन आपस में लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहां से दौड़ाया भी है, तो वहां पे भी कई प्रकार के 32 बोर के 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं और उसी के आधार पे है वो कार्रवाई है वो आगे की। उनके पास से भी हथियार बरामद हुआ है जिनको आपने डिटेन किया है? जिन लोगों को डिटेन किया है उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुआ है। हम लोगों के द्वारा जब जो संबल जो था जामा मस्जिद या हरियर मंदिर जिसका जो डिस्प्यूट चल रहा है उस डिस्प्यूटेड साइट से जब हम दूर आए, उस डिस्प्यूटेड साइट से दूर आने के बाद में वहां पे जब नॉर्मल सी की स्थिति हुई तो वहां से चेज करते करते जो पत्थरबाज हैं वहां से जब हम नखासा थाना क्षेत्र की तरफ आए तो वहां पे एक घर के ऊपर से फायरिंग हुई छर्रे का, तो उसमें मेरे पीआरओ को भी पांव में छर्रा लगा है और हमारे एक सीओ हैं उसको भी पांव में गोली लगी है और एक डिप्टी कलेक्टर है हमारी वो सीरियसली इंजर्ड हैं जिनके फ्रैक्चर हुआ है और करीबन 20 एक पुलिसमैन हैं जिनको अलग अलग तरीके से इंजरी हुई है। सब लोगों ने बहुत ब्रेवरी से आज का जो रेस्पॉन्स है वो दिया और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फोर्स। सर वेपन रिकवर हुआ, अभी आपने बताया एमुनिशन में 32 बोर और 15 बोर के कार्ट्रिजेस, तो वेपन में क्या रिकवर हुआ? वेपन भी वही है जो 32 बोर 15 बोर इस तरीके के, बिल्कुल राइफल नहीं होती है वो तमंचा होता है कंट्री मेड वेपन। फिगर कुछ होगी कितनी टोटल? जो वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आई कैन नॉट रिवील इट हियर, बट लोगों को हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ में उन्हें बताया, बट जो वीडियो जो वायरल हो रहा है दैट इज अ पैलेट गन, आई वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट दैट इज अ पैलेट गन एंड इट शुड बी नोटेड वेरी वैलिडली एंड वी हैव नॉट यूज्ड एनी लीथल वेपन व्हिच कैन कॉज हार्म टू एनीबॉडी। सर जिन लोगों को हिरासत में लिया अरेस्टेड और डिटेन्ड? 21 डिटेन्ड बिकॉज एफआईआर इज येट टू बी रजिस्टर्ड। जिन लोगों को डिटेन किया है उनसे पूछताछ में, उनमें से 2 महिलाएं हैं मैं बता रहा था, महिला के द्वारा और उनके परिवार जहां वो घर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वहां से ऊपर से छर्रे का फायर भी आया और बाल बाल बचे हम लोग और उसके बाद में वहां पे ऊपर से पत्थरबाजी की गई जहां पे डीआईजी साहब डीएम साहब सब लोग मौजूद थे और बाद में वहां से उस घर से 2 महिलाओं को जो है
हिरासत में लिया गया और अभी थाना गया। यस सर बिल्कुल, दैट इज अ पैलेट गन एंड आई वांट टू स्टेट इट वेरी वेरी क्लियर दैट पैलेट गन्स आर नॉट लीथल वेपन्स एज लॉन्ग एज इट इज नॉट वेरी क्लोज एनकाउंटर वेयर इट इज लाइक। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग होगी उसी के आधार पे उन्हें अभी तक जो पत्थरबाज है उन पत्थरबाजों से लड़ रहे थे उनसे पूछताछ है वो थाना पुलिस कर रही है राइट टाइम पे उस चीज को रिवील किया जाएगा। इंटरनेट बंद करवाने के लिए 24 घंटे के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, उम्मीद करता हूँ कि शासन द्वारा इसकी स्वीकृति जल्दी दी जाएगी। दो महिलाएं डिटेन हुए, अब तो महिलाएं दो ही डिटेन। जी 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 थैंक यू।